कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज है गोवा एपिसोड 2 गाइस। तो अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा की तरफ। और नॉर्थ गोवा इज द मेन प्लेस, यू नो, सी बीच, मतलब मेन घूमने वाला लोकेशन वहां पर है। तो अभी से नज़ारा दिखना शुरू हो गया है बाहर, एकदम भयंकर। आप लोगों को दिखा नहीं पाया, सॉरी। अब जाके दिखाते हैं। और सुबह मतलब थोड़ा सा लेट उठे आज, आराम से सोए और फिर उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह किया होटल में और फिर निकले। और हमारा टैक्सी भैया आ गए हैं लेने। भैया आपका नाम क्या है? रॉकी। तो रॉकी भैया के साथ आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा का। एंड रास्ता भी एकदम स्मूथ है, मस्त। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को नॉर्थ गोवा में। तो बने रहना ब्लॉग को लास्ट तक देखने गाइस, ये रोड देख के। सो गाइस, फाइनली मिल गया होटल नॉर्थ गोवा में। ये देखो, ये है अपना रूम, बिंदास, एकदम बढ़िया। और नवीन भाई, क्या हाल है? बढ़िया। और अतीश इज टू मच थ्रस्टी, यू नो, नॉर्थ गोवा आके अब किस चीज़ का प्यासा होता आप समझ सकते हो। सो बाहर का माहौल कुछ इस तरीके का है यहाँ से, मतलब एकदम बीच में ही होटल है। मतलब वहाँ पर नींबू सूख रहे, देखो किसी का, ठीक है। और यहीं से हम लोग ये विंडो से शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब विंडो शॉपिंग एकदम प्रॉपर। वहाँ पर देखो कपड़ा का दुकान है, वहाँ यहीं से देख रहे हैं कौन सा पसंद आ रहा है, नीचे जाके खरीद लेंगे। एंड ये रास्ता से कह रहा है कि 4 से 5 मिनट का वॉक में समुंदर दिखेगा, मतलब बीच है। तो आप लोग अभी लेके चलते हैं थोड़ा देर में, बस 10 मिनट फ्रेश हो जाता है और उसके बाद चलते हैं डायरेक्टली बीच में गाइस। ये देखो मेरा पड़ोसी कौन है, मेरे सामने वाली खिड़की में। सो गाइस फाइनली मतलब रेडी हो गए, निकल चुके हैं घूमने के लिए होटल से। एंड 100 मीटर वॉक किया हम लोगों ने। एंड देखो आगे क्या है गाइस, झोपड़पट्टी। झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी के बीच से एक सुंदर लड़की चलती हुई देख सकते हो, सनग्लास भी पहनी है। सो भाई फाइनली वी आर हियर। सो अभी ना बहुत तेज धूप है, तो अभी लाइक कहीं पर बैठते हैं साइड में, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चिल मारते हैं, हेड मसाज लेते हैं, फुट मसाज लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा देर बाद, थोड़ा सनलाइट कम हो जाने के बाद पूरा वॉक करेंगे। उधर एकदम सीधा कैंडलिम बीच है, सामने समुंदर है, और इधर बगा बीच है, एकदम इस बीच से उस बीच तक वॉक करेंगे गाइस। और आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाएंगे, बीच का लाइफस्टाइल दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो व्लॉग को लास्ट तक देखना, एकदम लास्ट तक देखना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, अभी सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब यहाँ पर ना क्या कर रहे हैं ना लोग, जो अपना देसी लोग है, ये अंकल लोग, ये लोग ना जो फॉरेनर लोग हैं, मतलब इन लोगों के साथ, रुको आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं, इन लोगों के साथ ना बुला बुला के सेल्फी लिया जा रहा है, मतलब क्या चल रहा है ये। अभी थोड़ा सा माहौल बने तो हम भी जाएंगे समुंदर में, जाके डुबकी लगाएंगे और आपको भी साथ में लेके जाएंगे गाइस। सो भाई अभी हम लोग कर रहे थे रिलैक्स यहाँ पर बैठ के, आतिश भाई कर रहे हैं फोटोग्राफी, उसने जूम लेंस ले लिया है, पता नहीं किस किस का जूम करके क्या 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 चीज़ का फ़ोटो ले रहा है, वो तो वही जाने। और नवीन भाई कर रहा है चिल, और इधर अपना रनो मैडम क्या कर रहा है, नज़ारे देख रहे हैं। तो चलो आप लोगों को भी थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ मैं। तो ये है समुंदर का नज़ारा, अभी सनसेट में टाइम है अभी, और ये लोग सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। Oh,
मेकअप इज गोन, चार बार पानी में डुबकी मारे, दैट वाटर बाय। सो गाइज यू कैन चेक द ब्यूटिफुल सनसेट ऑफ गोवा बीच एंड लॉट ऑफ पीपल एंजॉयिंग यू नो, एंड यहाँ पर आतिश भाई एंजॉय करते हुए एंड नवीन भाई एंजॉयिंग द ब्यूटिफुल सनसेट ऑफ गोवा बीच एंड जिंदगी सही चल रहा है भाई, गोवा जाने का उम्र में गोवा ही जा रहे हैं, गाँव नहीं जा रहे हैं। मिलते हैं अगले दिन, अभी बाकी है लोग लास्ट तक देखो, अभी मतलब आप लोगों को गोवा बीच का जो नाइट लाइफ है ना, जो शाम का इवनिंग लाइफ है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो फुल देखना गाइस ब्लॉग को। इधर है अपना गेस्ट हाउस, ठीक है, और एकदम होटल के सामने मस्त बिरयानी खा रहे हैं। और प्राइस आप लोग एक चीज़ बता दूं, मतलब बीच में यहाँ से 50 मीटर दूर बीच है, और बीच में जो प्राइस में आपको खाना मिलेगा यहाँ पर हाफ प्राइस में मिलेगा, ठीक है, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, एंड क्योंकि ये साउथ इंडिया है तो बिरयानी टेस्टी होता है यहाँ का, तो दिस इज़ माई सजेशन, आप लोग आओगे तो ट्राई कर सकते हो। गाइस सोचे थे फिर से बीच में जाएंगे और आप लोगों को थोड़ा एकदम लेट नाइट वाला बीच में जो होता है वो दिखाएंगे, बट हुआ ये कि हम बहुत थक गए, खाना भी खा लिया और अभी आ रहा है बहुत जोर का नींद, और अभी सिर्फ बेड में जाने का मन कर रहा है और कहीं नहीं जाने का मन कर रहा है, तो बीच में कल जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है भयंकर, क्योंकि उसमें होगा सारा वाटर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट सब, तो बने रहना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलते अगले व्लॉग में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।